नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। यूथ कांग्रेस बालाघाट द्वारा राजीव गांधी सेवा सप्ताह अंतर्गत कोरोना से बचने हेतु लगातार आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल नगर के स्थानीय अंजुमन शादी हॉल में जरूरतमंद लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु वेपोराइजर मशीनों का निःशुल्क वितरण किया गया और इसके इस्तेमाल का सही तरीका भी डेमो के माध्यम से लोगों को बताया गया। इसके पूर्व भी बालाघाट जिला युवा कांग्रेस के द्वारा भारत रत्न देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी और अन्य कर्मचारी जो दिन रात कोरोना वॉरियर्स की तरह कार्य कर रहे हैं, उन्हें सैनिटाइजर, N95 मास्क जैसी कोरोना से बचाव करने वाली आवश्यक सामग्री वितरित की गई थी। यूथ कांग्रेस ने बताया कि उनके द्वारा बिना किसी राजनीतिक भेदभाव से लगातार इस कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद की जा रही है और राहत सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। राजीव सेवा सप्ताह के अंतर्गत जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में यूथ कांग्रेस अलग अलग तरीकों से कोविड की महामारी में लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रही है, जिसमें माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी, हमारे माननीय यशस्वी अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी, हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी, भैया पवार जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव बंटी भैया जो आज बालाघाट में आए हुए हैं, बंटी सिलकर जी, इनके अंतर्गत हमारा ये कहना है और हमारी यूथ कांग्रेस का ये कहना है कि अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं कोविड के खिलाफ, तो हमें ना कोई किसी प्रकार की जात देखना है, ना समाज देखना है, ना कुछ देखना, सिर्फ इसी एक बीमारी से देखना है। और उसके अंतर्गत हमने लड़ाई लड़ी। दो दिन पहले हमारे सभी युवा कांग्रेस के साथी ने मास्क का वितरण किया, ग्लव्स का वितरण किया, उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा गया है। ये वेपोराइजर जो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर शुरुआती 5 दिन में हम दिन में 2 बार हाफ ले लेते हैं इस वेपोराइजर के माध्यम से, तो कोविड को हम 75 से 80%, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 100% कोविड को नियंत्रण करने में ये बहुत कारगर फॉर्मूला है और ये WHO द्वारा प्रमाणित भी है। ये क्या जिले में वितरित किया जाएंगे? ये प्रयास तो हमारा यही रहेगा कि पूरे संपूर्ण 8 विधानसभा जो बालाघाट संसदीय क्षेत्र के अंदर आती है, उनमें क्रमबद्ध हिसाब से हमको ये कार्यक्रम करना है। इसके अलावा क्या क्या किया जाएगा? राजीव सेवा सप्ताह के अंतर्गत हम वो सब कुछ कार्य करने में विश्वास रखते हैं। अभी भी हमने लड़ाई लड़ी बेड दिलाने के लिए, ऑक्सीजन दिलाने के लिए, जितना हमसे हो सका उतना यूथ कांग्रेस के साथियों ने यहाँ भी किया, पूरे देश में भी किया और आने वाले समय में भी प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड की महामारी से अवगत कराएं। जैसे 3rd वेव आने वाले है, उसके लिए वेपोराइजर बहुत अच्छी, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। और जैसे जैसे हमारे को जो जो आदेश आते जाएंगे और जैसे जैसे हम कुछ कुछ कर पाएंगे, तो हम निरंतर इस रूप में सेवा भाव के रूप में हम ये सारे कार्य करते रहे। मैं नागपुर महानगर पालिका से, मैं नगर सेवक बंटी बाबा शेड़के, उसी तरीके से मैं राष्ट्रीय सचिव भारतीय युवा कांग्रेस। जिस तरीके से अभी हमारे भूतपूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे भाई, बड़े भाई नितिन जी भोज, इन्होंने जिस तरीके से बताया कि त्यागमूर्ति सोनिया जी गांधी, हमारे नेता राहुल जी गांधी, प्रियंका जी गांधी, उसी तरीके से हमारे नेता कमलनाथ जी और एक झुंझारू अध्यक्ष, जिन्होंने एक अलग ही छाप जो है, एक समाज सेवा क्या रहती है और किस प्रकार से जो है किसी भी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप न करते हुए एक लोगों को हम कोविड के माध्यम से हम लोग किस प्रकार से हम लोग मदद उन तक पहुंचा सकते हैं, ऐसा जिन्होंने एक नाम उन्होंने जिन्होंने एक ये किया और समाज कार्य में जिन्होंने एक अलग ही नाम उन्होंने बनाया, ऐसे हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी और उसी तरीके से हमारे सम्माननीय बड़े भाई भैया पवार जी, उसी तरीके से भारत मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत गुड़िया जी और यहाँ पर जो यह संभाग के प्रभारी अंकित दिड़ा जी, इन सभी के माध्यम से जो है एक बहुत अच्छा प्रयास जो है नितिन जी वो जिनके मार्गदर्शन में, हमारे तबरेज खान जी जो बालाघाट युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है, उसी तरीके से हमारे विकास मिश्रा जी है, गढ़ वासनिक जी है, इन सभी के माध्यम से जो है आज यह बालाघाट में पहली बार, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में पहली बार एक वेपोराइजर के माध्यम से स्टीम एनिलेट, यानी अगर 4 दिन का अगर कोई भी विषाणु अगर समझ लो हमारे गले में अगर रहता है और हमने यह भपारा मशीन यानी वेपोराइजर स्टीम एनिलेट अगर हमने दिन में 2 बार अगर 5-5 मिनट भी अगर की, तो कहीं ना कहीं पर हम लोग कोविड के साथ में लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं। नितिन जी भोज इनके माध्यम से, तबरेज खान जी हो गया, रिका मिश्रा जी हो गया, दयाल वासनिक जी हो गए, ये सभी जो साथी है युवा कांग्रेस के साथी बालाघाट के या बालाघाट के अगल बगल के जबलपुर संभाग के जितने भी साथी है, नितिन जी भोज इनके मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत अच्छा काम जो है यह कोविड केस में जो किया था, लोगों को बेड अवेलेबल करके लिए, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाया, लोगों को वेंटिलेटर के बेड वहां पर नागपुर में, मुझे कम से कम नितिन जी भोज और तबरेज जी खान इनके माध्यम से जो है हमारे पास रिकॉर्ड है 1723 पेशेंट्स के लिए ये लोगों ने जो है हमको वहां पर मदद मांगी। बताइए बताइए, अंजुमन शादी हॉल में वेपोराइजर बपारा का वितरण जिला युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष तबरेज पटेल साहब, नितिन भोज और नागपुर के हमारे मंडी सिल्के जी आए हुए हैं, जानिब से वेपोराइजर का वितरण किया जा रहा है। ये काबिले तारीफ काम है
और मैं चाहूँगा कि ऐसे काम ये लोग आगे आएँ और हमेशा ऐसे ही काम करते रहें। बताइए। आज ये जो हमारा कार्यक्रम है राजीव सप्ताह का जो कार्यक्रम है, इससे पहले हमने जो राजीव जी के जो पुण्यतिथि के दिन से हमने शुरुआत की थी, जो हमारे पुलिस जवान उनको मास्क और सैनिटाइजर ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई थी, उसी के क्रम में आज ये हम ये कार्यक्रम आज अंजुमन शादी आलसिया जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवासन जी और हमारे बड़े भाई बंटी भैया जो ये रोल मॉडल है हमारे, जो हम उनको देख देख के सब चीज़ें सीखते हैं और बहुत मददगार, और जो नागपुर में रहते हैं ये तो भैया हम हर चीज़ के लिए इनसे मदद मांगते हैं, तो ये हर चीज़ अवेलेबल हमको वहाँ कराते हैं। यहाँ से जो भी जाता है हमारा साथी बड़े भैया नितिन भोज जी के मार्गदर्शन में जो चीज़ें हम कर पा रहे हैं और ज़िले में और ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे, ये वेपराइजर मशीन जो बपारा आज हम यहाँ से शुरुआत करें, लेकिन बालाघाट ज़िले की पूरी 8 विधानसभा में जितने भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं हमारे बड़े भाई विकास मिश्रा जी और दयाल वासनिक, इनके सबके सहयोग से हम पूरे ज़िले में ये वेपराइजर मशीन का वितरण करेंगे।